नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ईज्ञान में स्वागत है। अभी तक में आ गए हैं जावेद इकबाल, जेवियर मुंडा, रंजना सिन्हा, लुसी कुमारी, सुष्मिता घटक और रीना रंजन। आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड लेट अस स्टार्ट विद द टुडे क्लास। ओके, इन विच कंडीशनिंग पैराडिग्म ऑफ लर्निंग रिइंफोर्समेंट फॉलोज रेदर देन प्रिसीड्स ए रिस्पॉन्स। अनुबंधन द्वारा अधिगम के किस प्रतिमान के अंतर्गत प्रबलन की अनुक्रिया के पहले न घटित होकर उसके बाद घटित होता है? ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकी अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, कंटिगुअस कंडीशनिंग, सामीप्य अनुबंधन एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग, पश्चवर्ती अनुबंधन। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे से क्वेश्चन ढक रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा हट रहा हूं स्क्रीन पर से। चलिए जल्दी कीजिए। ओके, देखते हैं हम लोग। इसका इन रियलिटी आंसर सेकंड ही है और गलती सिर्फ दीक्षा यादव का हुआ है, बाकी सबका सही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज सेंसिटिव टू और कंट्रोल बाय इट्स कंसिक्वेंसेस। मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर जो है, जो रिजल्ट होता है ना, जो कंसिक्वेंसेस होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है या उसी के सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड में लर्न टू ओपन ए बॉक्स टू गेट द कैंडी इनसाइड और लर्न टू अवॉइड टचिंग ए हॉट स्टोव। मतलब सिंपल, जो कंसिक्वेंस होता है ना, उसके आधार पे इसका क्रियाकलाप बोले तो सेंसिटिविटी डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, अगर कोई ढक्कन खोलने के लिए सीखता है किसी डब्बे का, किस लिए? कि उसके अंदर कैंडी रखा हुआ है, मतलब चॉकलेट वगैरह। या मान लो कोई स्टोव है, एक बार टच किया तो उसको गर्म लगा, मतलब हाथ जला, दूसरा बार से उसको टच नहीं करेगा, इस चीज को वो सीख लेता है। तो इसे ही हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं और ये इसमें डिसाइड होता है। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट इट इज द अंडरस्टैंडिंग डेवलप बाय द लर्नर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर। अधिगम अंतरण का कौन सा सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि अधिगमकर्ता द्वारा विकसित अवबोध एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अंतरित होता है? ऑप्शन है थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स, घटकों की समरूपता का सिद्धांत, मेंटल फैकल्टी थ्योरी, मानसिक शक्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत एंड गेस्टॉल्ट थ्योरी, गेस्टॉल्ट का सिद्धांत। डू फर्स्ट। रंजना सिन्हा का कहना है थर्ड। ओके, और लोगों का फास्ट फास्ट क्वेश्चन नंबर दीजिए और आंसर दीजिए। सुष्मिता का भी कहना है थर्ड। ओके, देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है फोर, मतलब जेवियर मुंडा का सही है, मतलब इसका ये आंसर है गेस्टॉल्ट थ्योरी। इट इज अंडरस्टैंडिंग डेवलप बाय द लर्नर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। गेस्टॉल्ट थ्योरी में ये बात कहा गया है और ये है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको इसका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। द थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इट होल्ड्स दैट द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इज अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, हु आर द चीफ प्रोपोनेंट अमंग द टाइप थ्योरिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी टू एडवांस ए साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टाइप। व्यक्तित्व के प्रकारता सिद्धांतवादियों में से मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक प्रकारता के प्रस्तावित करने में मुख्य प्रणेता कौन थे? फर्स्ट है सेल्डन, दूसरा है जंग, तीसरा है एल्पोर्ट और चौथा है आइसिंग। तो बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। अर्चना का कहना है सेकंड, रंजना का कहना है सेकंड और डन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड, एक्सलेंट, सभी का सही हुआ। मतलब इसका सही आंसर है ये जंग, पर्सनालिटी एडवांस ए साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी टाइप, ये जंग का कहना था। जंग थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप वाज नॉट बेस्ड ऑन कंट्रोल साइंटिफिक स्टडीज बट रेदर देन ऑन सब्जेक्टिव क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब ये
साइंटिफिक स्टडी के द्वारा कंट्रोल नहीं, बल्कि ये सब्जेक्टिव क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा था, इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा और एनेक्डोटल मेथड के द्वारा, जो कि रिगार्ड्स एज ए इंक्लूसिव इन द मॉडर्न फील्ड ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। ठीक है, इसका फोर कॉग्निटिव फंक्शंस दिया गया था। इसका क्या क्या था वो? थिंकिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। ठीक है, हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर फोर। इन काउंसलिंग द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट, मतलब उद्बोधन में पहला कार्य होना चाहिए ए, मतलब फर्स्ट अ नीड इन द काउंसलिंग, सेवार्थी में उद्बोधन की आवश्यकता उत्पन्न करना। सेकंड, रैपर्ट विद द काउंसलिंग, सेवार्थी से तालमेल स्थापित करना। अ सिचुएशन फॉर सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण की स्थिति उत्पन्न करना। एंड फोर, फ्री एंड फ्रेंक डिस्कशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को लेकर मुक्त और स्पष्ट चर्चा करना। तब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट, ऐसे अर्चना का कहना है सेकंड, जेवियर मुंडा का सेकंड, दीक्षा यादव का कहना है सेकंड। चलिए मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ स्क्रीन पर से। अच्छा, मैं हिलते डोलते रहूँ तो ठीक रहेगा ना? चलिए मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, नीचे का ऑप्शन आपको देखने में दिक्कत होता है। रूमा मुखर्जी का सेकंड, सुष्मिता घटक का सेकंड, रीना रंजन का भी सेकंड। ओके, देखते हैं हम लोग। और इसका सही आंसर इन रियलिटी सेकंड ही इसका सही आंसर है। तो सबसे पहले आंसर देने वाले हैं इस क्वेश्चन के अर्चना श्रीवास्तव, जेवियर मुंडा सेकंड टॉपर एंड दीक्षा यादव थर्ड टॉपर। एक्सलेंट। काउंसलिंग इज ए कॉन्सेप्ट दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन वी हैव सॉट थ्रू द एजेस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स ऑफ आवर कॉन्स एंड डेवलप आवर पोटेंशियल, बिकम अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इन जनरल हेल्प आवरसेल्व्स इन वे एसोसिएटेड विद फॉर्मल गाइडेंस प्रैक्टिसेस। स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेसेस आर इनिशियल डिस्कस दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग और रैपर्ट विद द काउंसलिंग, द सेकंड इज द इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन दैट इज प्रॉब्लम असेसमेंट, एंड थर्ड वन इज द कमिटमेंट टू एक्शन दैट इज गोल सेटिंग। क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंक्वायरी रिसर्च डिजाइंस फंक्शंस एज ए स्पेसिफिक एंड प्रेसिज गाइडेंस, निम्नलिखित में से परिप्रेक्ष्य के किस रूप में शोध अभिकल्प विशिष्ट और सुनिश्चित दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है? फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक शोध, फिलोसॉफिकल रिसर्च दार्शनिक शोध, इथनोग्राफिक स्टडीज निर्जाति वर्णन अध्ययन एंड केस स्टडी बेस्टी अध्ययन। देन व्हाट विल बी द आंसर? डन। ये अर्चना का कहना है बी, रीना रंजन का कहना है बी, दीक्षा का भी बी, रंजना सिन्हा का थोड़ा सा चेंज है सी, और रुमा मुखर्जी। ओके, इसका सही आंसर है फर्स्ट इसका सही आंसर है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इंक्वायरी रिसर्च डिजाइन फंक्शन इज स्पेसिफिक एंड प्रेसिज गाइडेंस। प्रेसिज गाइडेंस, ये इसका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये डिटेल में इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शाने वाला सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा है? ए, डिटरमिनेबल अवधार्य, बी, फ्लूड गतिशील, सी, कॉजल नैमित्तिक एंड डी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। फर्स्ट क्या होगा? लूसी का कहना है फोर्थ, सुष्मिता का भी फोर्थ, रीना रंजन का भी फोर्थ। ओके, डन। ओके, इसका सही आंसर है लेकिन सेकंड। हाँ जी, रूमा मुखर्जी का सही हुआ है, अर्चना का सही हुआ है, और बस यही दो स्टूडेंट का सही हुआ है। नहीं, शोम्पा घोषाल का भी सही है सेकंड। मतलब इसका सही आंसर होगा फ्लूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट इज फ्लूड। ठीक है, द
premises of evolutionary education psychology of mind and brain evolved to enable the mental generations of potential future. Repeating, mental generation of potential future, social, ecological, or climatic condition, and enable rehearsal of the behaviors to cope with variations in these conditions and are known as general fluid intelligence. Okay? Now known as the general fluid intelligence. Now let us come to the next question. And next question is the relation between education and psychology. Relation between education and psychology best understood on the basis of शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है. ऑप्शन ए इंटरडिपेंडेंस, बोले तो परस्पर निर्भरता, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इंटरेक्शन अंतरक्रिया एंड डिपेंडेंस निर्भरता. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. रुमा मुखर्जी का कहना है फर्स्ट. ओके, जेवियर मुंडा का भी कहना है फर्स्ट, बोले तो इंटरडिपेंडेंस. रीना रंजन का कहना है सेकंड, लूसी का कहना है फर्स्ट. देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर है थर्ड. किसी ने आंसर दिया था क्या? थर्ड में है इंटरैक्शंस, अंतरक्रिया, इंटरैक्शन इसका सही आंसर है. फ्रेंड्स ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है और यूजीसी का जो रिवाइज आंसर किया है उसी से लिया गया है. The contemporary relations between psychology and education is complex. This is evident in different terms which are used to refer to the relationship. We hear about education psychology, psychology of education, psychoeducation, psychopedagogy, and psychology in education. These references are associated with different perspectives and commitments. They are connected to difference between the theoretical and applied psychology, between academic and professional psychology. Done? ठीक है जी? चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स लाइज इज यूजिंग शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है. ए टीचर सेंट्रिक अप्रोच, शिक्षक केंद्रित उपागम के लिए, कॉन्टेंट सेंट्रिक अप्रोच, विषय वस्तु केंद्रित उपागम के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर्ड अप्रोच, परीक्षा केंद्रित उपागम के लिए, एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, विद्यार्थी केंद्रित उपागम के लिए. तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. रूमा का कहना है फोर्थ, अर्चना का भी कहना है फोर्थ. ओके, मैं हट रहा हूं स्क्रीन पर से. हो गया, चलिए देखते हैं. इसका सही आंसर है फोर, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इसका सही आंसर है और आप लोगों में से सभी का सही है, ये किसी का गलत नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज इज इंटीमेटली रिलेटेड टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है. थॉर्नडाइक के से रिलेटेड है. ऑप्शन है गुथरी कंटिन्यूटी थ्योरी, गुथरी का समीपता का सिद्धांत, पावलोव्स रिफ्लेक्स कंडीशनिंग, पावलोव का सहज प्रतिवर्त अनुबंधन, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, एंड कोहलर्स गेस्टाल्ट थ्योरी, कोहलर का गेस्टाल्ट सिद्धांत. तब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा. दीक्षा यादव का कहना है सी, रंजना सिन्हा का भी कहना है सी. ओके, फिदाउस अहमद का सी, ओके देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है. और इसका सही आंसर है थर्ड सी, बिल्कुल. मतलब आप लोग जो बोले हैं स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है. तो फ्रेंड्स ऐसे जो आज पहली बार आए हमारे इस ईज्ञान यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेज नहीं लगता. यहाँ पर जितना भी हम लोग का डिस्कशन हो रहा है ये विथ डिस्कशन, आपको ये आपको हमारा
ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ई ज्ञान पे भी आपका ग्रुप है NTNA 2021, उसी में मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप का, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर आपको ये सारा चीज मिलता रहेगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट सेशन के लिए जो इनरोल करना चाहते हैं, इनरोलमेंट चल रहा है, आप वहां से इनरोल कर सकते हैं। चलिए आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन। विच लर्निंग थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन इमर्जेंट सिंथेसिस, कौन सा अधिगम सिद्धांत विकासशील संश्लेषण पर जोर देता है? कौन सा अधिगम सिद्धांत विकासशील संश्लेषण पर जोर देता है? पहला है टॉलमैन साइन गेस्टाल्ट, टॉलमैन का संकेत गेस्टाल्ट। दूसरा है लेविन फील्ड थ्योरी, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। थर्ड है मॉरर टू फैक्टर थ्योरी, मॉरर का द्विकारक सिद्धांत। एंड डी है हल्स नीड रिडक्शन थ्योरी, हल का आवश्यकता ह्रास सिद्धांत। हल का आवश्यकता ह्रास सिद्धांत क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? अर्चना का कहना है सेकेंड, लूसी का फोर्थ, रीना का फर्स्ट, फिरदौस अहमद का सेकेंड। सबका यहां पर अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर है इन रियलिटी सेकेंड। तो लेविंसफील्ड थ्योरी रूल्स स्टेटेड एनालिसिस स्टार्ट विद द सिचुएशन एज अ होल। क्या था, विच लर्निंग थ्योरी लेज स्ट्रेस ऑन इमर्जेंट सिंथेसिस, और इसका सही आंसर है लेविंसफील्ड थ्योरी। सबसे पहले इसका सही आंसर दिए हैं अर्चना श्रीवास्तव फर्स्ट टॉपर, फिरदौस अहमद सेकेंड टॉपर, एंड जेवियर मुंडा थर्ड टॉपर। गुड, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय दी, रक्षा युक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट है ईगो ऑफ ए पर्सन नोविंगली, व्यक्ति के अहम द्वारा चेतन रूप से। सुपर ईगो ऑफ ए पर्सन नोविंगली, व्यक्ति के प्राहम द्वारा चेतन रूप से। ईद ऑफ ए पर्सन अननोविंगली, व्यक्ति के इदम द्वारा अचेतन रूप में। एंड ईगो ऑफ ए पर्सन अननोविंगली, व्यक्ति के अहम द्वारा अचेतन रूप में। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 11 नंबर, लूसी का कहना है डी, अर्चना का भी कहना है डी, सुष्मिता का कहना है बी। ओके, डन। ओके, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 4, और सुष्मिता का और फिरदौस अहमद का गलती हो गया, बाकी सबका सही है। इसका सही आंसर ईगो ऑफ ए पर्सन अननोइंगली। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म आर डेवलप एंड यूज्ड बाय द ईगो व्हेन एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस एंड इंसिडेंट अकर्स। मतलब कोई भी सिचुएशन या कोई इंसिडेंट होता है उस समय, दिस इंसिडेंट्स आर एनजाइटी प्रोवोकिंग डिमांड्स placed by id, super ego and reality on the ego. We may knowingly use many of them, but generally they are used unknowingly. But हम लोग बहुत सारे उसमें से जानते हैं, लेकिन normally वो unknowingly ही होता है. Next question. A student who fails in an examination makes a complaint that the examiner was strict. He or she is using a defense mechanism of एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर शिकायत करता है कि परीक्षक सख्त था। वह किस रक्षा युक्ति का अनुप्रयोग कर रहा है? ए सबलिमेशन उदातीकरण, बी रिग्रेशन प्रतिगमन, सी रेशनलाइजेशन औचित्य स्थापन, एंड डी रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्माण। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स फास्ट? क्या होगा? ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, देखते हैं हम लोग। और इसका सही आंसर है थर्ड, मतलब रेशनलाइजेशन। और सभी का इसका थर्ड ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप स्ट्रक्चर्स आर मेजर्ड मोस्ट कॉमनली बाय, समूह संरचनाओं का मापन ज्यादातर निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? ए
सोशियोग्राम, समाज आरेख, बी ग्रुप रेटिंग स्केल, सामूहिक मूल्य निर्धारण अनुमाप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यानिक अभिलेख, एंड डी सोशियोड्रामा, सामाजिक नाटक। तो आपको बताना है किसका सही आंसर क्या होगा। ग्रुप स्ट्रक्चर्स आर मेजर्ड मोस्ट कॉमनली बाय, समूह संरचनाओं का मापन ज्यादातर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आधार पर किया जाता है। ए सोशियोग्राम, समाज आरेख, बी ग्रुप रेटिंग स्केल, सामूहिक मूल्य निर्धारण अनुमाप, एंड सी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उपाख्यानिक अभिलेख, एंड डी सोशियोड्रामा, सामाजिक नाटक। लूसी का कहना है सेकेंड, शोम्पा का कहना है फोर्थ, अर्चना फर्स्ट, रूमा मुखर्जी फर्स्ट, रीना रंजन फर्स्ट, ज्यादा का फर्स्ट है। ओके, और इसका सही आंसर फर्स्ट ही है। ए सोशियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिंक्स दैट ए प्रॉब्लम दैट ए पर्सन हैज। ए सोशियोग्राम इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सोशल लिंक्स दैट ए पर्सन है, ठीक है। और ऐसे इसका डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रिसीड्स लॉजिकल रीजनिंग, संकल्पना निर्माण युक्तिपूर्ण तर्क से पहले आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रिसीड्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, भाषा विकास संकल्पना निर्माण से पहले आता है। लॉजिकल रीजनिंग कम्स बिफोर लैंग्वेज डेवलपमेंट, युक्तिपूर्ण तर्क भाषा विकास से पहले आता है। एंड डी इमोशनल डेवलपमेंट कम्स बिफोर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, संवेगात्मक विकास संकल्पना निर्माण से पहले आता है। तब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 20 भी आंसर दिए हैं। हाँ अब ठीक है, देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है फर्स्ट, और सभी का सही हुआ कुछ को छोड़ के। मतलब इसका सही आंसर है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोसीड्स लॉजिकल रीजनिंग। पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होता है। रीजनिंग इनकम्पेंसेस ऑल थिंकिंग एक्टिविटीज डेट इन्वॉल्व मेकिंग और टेस्टिंग इन्फ्रेंसेस, मतलब इन्फ्रेंसेस को बनाने में या उसको टेस्ट करने में यूज होता है रीजनिंग। दिस इंक्लूड्स इंडक्टिव रीजनिंग डेट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डिडक्टिव रीजनिंग डेट इज लॉजिकल आर्गुमेंट्स। रीजनिंग इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी दोनों से क्लोजली रिलेटेड होता है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हैज ऑलवेज बीन ए सेंट्रल कंसर्न ऑफ लर्निंग थ्योरी ओवर द डिकेड्स, और लर्निंग थ्योरी के मेन सेंट्रल पोजिशन पे हमेशा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज ड्यूरिंग द, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में रूप संक्रियात्मक अवस्था आती है। ए इन्फेंसी शैशवावस्था, बी चाइल्डहुड बाल्यावस्था, सी एडोलेसेंस किशोरावस्था, एंड डी एडल्टहुड वयस्कावस्था। तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। ओके चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है थर्ड, थर्ड ही इसका सही आंसर है, ये वाला एडोलेसेंस। तो आप नहीं, लूसी का और रंजना का गलती हुआ है, बाकी सबका सही है। फर्स्ट टॉपर है रूमा, सेकंड अर्चना, और थर्ड है फिरदौस अहमद। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, मिलेगा आपको। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम के स्थानांतरण की व्याख्या किस पद द्वारा करते हैं। ए जनरलाइजेशन सामान्यकरण, बी आइडेंटिकल एलिमेंट्स तत्वों की समानता, सी फोरसाइट दूरदृष्टि, एंड डी ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण। तो क्या होगा इसका सही आंसर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ, शोम्पा घोषाल का आंसर आ चुका है, शोम्पा का करना है डी, और चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। ज्यादातर का करना है डी, तो डी ही होगा, बिल्कुल डी ही है, डी ही है गेस्टाल्ट ट्रांसपोजिशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स
that generalization concept or insight which are developed in one learning situation are employed as a whole in other situation in which they are applicable. Right? Next question. In Gagne's hierarchy, the assumption is that Gagne की अधिकर्मिता में निहित मान्यता है A. Lower order learning runs parallel with other learning. मतलब निम्न स्तरीय अधिगम अन्य अधिगम प्रकारताओं के समानांतर चलता है. मैं हट रहा हूं. Lower order learning occurs before higher order learning. निम्न स्तरीय अधिगम उच्च स्तरीय अधिगम के पूर्व घटित होता है. Higher order learning goes together with the other learning. उच्च स्तरीय अधिगम अन्य अधिगम के साथ घटित होता है. एंड लोअर एंड हायर ऑर्डर लर्निंग आर नॉट रिलेटेड. निम्न एवं उच्च स्तरीय अधिगम परस्पर संबंधित नहीं. तो क्या होगा इसका सही आंसर? लूसी का कहना है थर्ड, अर्चना का कहना है सेकंड, रूमा का भी कहना है सेकंड, और लोगों का हो गया. चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है. और इसका सही आंसर है सेकंड. तो आप सभी का सही हुआ ये सेकंड इसका सही आंसर है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ मैनिफेस्ट इनएक्टिविटी इन क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड. सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्त रूप से निष्क्रियता को कहा जाता है. फर्स्ट है इंस्पायरेशन प्रेरणा, सेकंड है इनक्यूबेशन उद्वन, थर्ड है जनरलाइजेशन सामान्यकरण, एंड फोर्थ है प्रिपरेशन तैयारी. तो क्या होगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स? द स्टेज ऑफ मैनिफेस्ट इनएक्टिविटी इन क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड. सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्त रूप से निष्क्रियता को कहा जाता है. ए इंस्पायरेशन, बी इनक्यूबेशन, सी जनरलाइजेशन एंड डी प्रिपेयरनेस. ओके देखते हैं हम लोग. और इसका सही आंसर है सेकंड. और आप सभी का सही है, सभी को सेकंड ही बोलेंगे. और जिनको कुछ कंफ्यूजन है आप एक बार सिंपल एक बार एक्सप्लेनेशन को रीड कर लीजिएगा बस. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब पर्सनालिटी. निम्नांकित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व को उपयुक्त रूप से वर्णित करता है? ए पर्सनालिटी इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, व्यक्तित्व एक शरीर क्रियात्मक अवधारणा है. बी पर्सनालिटी इज ए मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट, व्यक्तित्व एक आणविक अवधारणा है. सी पर्सनालिटी इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट, व्यक्तित्व एक गतिशील अवधारणा है. एंड डी पर्सनालिटी इज ए पॉपुलर कॉन्सेप्ट, व्यक्तित्व एक लोकप्रिय अवधारणा है. तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर. चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है. और इसका सही आंसर है थर्ड. और सभी का सही है, टॉपर में है. फर्स्ट रूमा मुखर्जी फर्स्ट टॉपर, फिरदौस सेकंड टॉपर, एंड दीक्षा यादव थर्ड टॉपर. एक्सलेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट कैन बी मेजर्ड इफेक्टिवली थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी. व्यक्तित्व के निम्नांकित विशेषकों में से किसे प्रक्षेपी परिविधियों द्वारा प्रभावी रूप में मापा जा सकता है? एक्स्ट्रावर्सन इंट्रोवर्सन मतलब बहिर्मुखी अंतर्मुखी, कंसेंटियस ईमानदारी, मेंटल इनहैबिटेंस मानसिक अवरोध या प्रावरोध, एंड बैलेंस्ड अप्रोच संतुलित उपागम. तो बताइए किसका सही आंसर क्या होगा. अर्चना कहना है फर्स्ट, दीक्षा का कहना है फर्स्ट, लूसी का भी फर्स्ट, जबिया मुंडा का भी फर्स्ट. ओके चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है. और इसका सही आंसर है थर्ड, मेंटल इनहेबिटेंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट कैन बी मेजर इफेक्टिवली थ्रू द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी. मेंटल इनहिबिशन, मेंटल इनहिबिशन मानसिक प्रावरोध. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा. इससे आगे हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे. और शाम को 8 बजे से जो हमारा चलता है ई ज्ञान एंड्रॉयड पे हमारा क्लास लाइव क्लासेस, तो
वो होगा रीना रंजन का कहना है कि कोरोना के बहुत केसेस आ रहे हैं, एग्जाम होगा। इस बार ऐसे लॉकडाउन तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। मतलब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन करने के लिए रेडी नहीं हुआ, बहुत सारा गवर्नमेंट मतलब बहुत सारा जगह पे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गया, बहुत जगह सिर्फ स्कूल बंद हुआ है। तो अभी इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा काम है पढ़ाई करना, हम तो पढ़ाई करते ही रहेंगे। ठीक है, तो आप बस वैसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है जी, ओके। तो हम लोग मिलते हैं आज शाम को 8 बजे से। ठीक है, ओके, बाय बाय।